हम लोग सब एकत्र हुए हैं, जिसके आज जो गंभीर परिस्थिति है एक अघोषित जरूरी अवस्था जारी हो गया देश में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल में जो 72 बच्चों का मौत हो गया, इसके बारे में सरकारी प्रशासन और देश की जो सरकार चला रहा है उसको जो स्टेटमेंट आ रहा है ये बहुत भयंकर। आज देश में वो क्या चाहते हैं, देश में गरीब लोग मर जाएगा और देश के केवल पूंजीपति के लिए एक देश बनेगा ना क्या, ये बड़ा सवाल है। एक आज ये जो सारा देश को पूंजीपति के हाथ में सौंप दिया, बेच दिया, इसके खिलाफ देश के जो मेहनतकश मजदूर गरीब दलित और अल्पसंख्यक पिछड़ा सब एकत्रित होना चाहिए। आज हम लोग जो इधर इकट्ठा हुए इसी उद्देश्य लेके आए हैं। जैसे हमारा देश में कोई बच्चा का कोई गरीब का ऐसे मौत ना हो, कम से कम उसको जीने का जो अधिकार है ये स्टेट का जिम्मेदारी है, राष्ट्र का जिम्मेदारी है, राष्ट्र का मिनिमम ये जिम्मेदारी होना चाहिए। आज ये राष्ट्र का क्या भूमिका हो गया, सारे कॉर्पोरेट के हाथ में हॉस्पिटल छोड़ दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, सारी चीज को सरकार के हाथ में छोड़ दिया, सारे देश का संपद सारी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। आज एक कठिन समय आ गया, इसके लिए हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए, एकजुट होने के साथ साथ इसको विरोध करेंगे, इसको प्रतिरोध करेंगे, एक प्रतिरोध का एक लड़ाई एक जंग हम लोग छिड़ेंगे। इसके साथ साथ नया भारत को बनाना चाहिए, नया भारत को बनाने के लिए आज जंतर मंतर में सारी नेता लोग आ गया, उसको हम लोग चेतावनी दे रहा है, हम लोग छोड़ेगा नहीं, हम लोग जंग जीतेंगे, हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद।